तो बेसिकली यहाँ पर दो क्लास हैं, एक है ये इकोनॉमिक क्लास है जिसमें तीन सीटें एक साथ हैं, और एक जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो है एग्जीक्यूटिव क्लास। डिफरेंस ये है इसमें आपको तीन पैसेंजर एक साथ बैठते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास में है उसमें आपको सिर्फ दो पैसेंजर बैठने की फैसिलिटी है। तो ज़्यादा कम्फर्टेबल आपका ध्यान में रखा गया है इकोनॉमिक क्लास की जगह एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो आइए चलते हैं सबसे एग्जीक्यूटिव क्लास में। यहाँ पर आपको मिलता है स्पाई कैम, साथ ही साथ ये सीट। इस सीट की खास बात यह है कि ये 360 डिग्री में रोटेट हो सकती है, तो आप जिस भी डायरेक्शन में चाहें अपनी सीट मैनेज कर सकते हैं। सीट में आपको मिलता है ये फूड आइटम रखने के लिए एक प्लेट का सामान है, तो आप चाहें जस्ट लाइक एरोप्लेन आप इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसमें आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद सेम वे में आप इसको फोल्ड करके वापस यहाँ प्लेस कर सकते हैं। जो ये सीट देख पा रहे हैं, इस सीट की खास बात ये है कि ये 360 डिग्री पर रोटेट हो सकती है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी डायरेक्शन में चाहें बैठ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसमें मिलता है ये फूड रखने के लिए, ये आपको जस्ट लाइक एन एरोप्लेन आपको ये टेबल मिलता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं, और साथ ही यूज़ करने के बाद इसको वापस भी आप इसमें डाल सकते हैं। समय समय पर आपका कौन सा स्टेशन है ये बताने के लिए सभी कोचेस में ये बोर्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अवेलेबल है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट जिसमें 110 वोल्ट है। साथ ही साथ अगर आपके पास चार्जिंग नहीं है, चार्जर नहीं है आपके लिए, तो आप लीड से भी चार्ज कर सकते हैं। आगे की तरफ आपको मिलता है ये फुटरेस्ट, अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ख़ास बात है आप देखिए जो लेग स्पेस आप आराम से पूरे लेग स्पेस, देखिए मेरा पैर जो है दूसरी सीट तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, तो आप एक अच्छे बड़े कंफर्टेबल लेग स्पेस को भी यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो हर सीट के पास आपको एक अलार्म बटन दिया गया है, तब प्रेस करके आप रोक सकते हैं। हर कोच की स्थिति बताने के लिए कौन सा कोच कहाँ है ये आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले है, साथ ही साथ जो वॉशरूम है वो ऑक्यूपाइड है कि नहीं है उसका भी इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है। ये साइड में दिया गया है बोतल स्टैंड, तो अपनी जो वाटर बोतल है या इस तरह की कुछ भी बोतल है आप इसमें आराम से रख सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो बहुत एक कंफर्टेबल सीट है जो आपकी जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए एक बार एक नज़र मार लेते हैं इसके वॉशरूम पर। दोनों तरह का वॉशरूम आपको दिया गया है, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल, कुछ इस तरह का इसका वॉशरूम है। वाटर टैप है, साथ ही साथ आपको सोप मिलता है और हैंड ड्रायर भी आपके लिए अवेलेबल है। नीट एंड क्लीन है, वैक्यूम से चलने वाला टॉयलेट है जिससे आपको टच करना है और फ्लश आप यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक गुड और हाइजीन प्लेटफॉर्म और सॉरी दिस टॉयलेट आपको। सो फाइनली डोर क्लोज हो चुके हैं और हमारी ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले मुझे मिला है ये ब्यूटीफुल सा रोज। ट्रेन इज इन मूवमेंट और जो इसका पहला स्टॉप है वो होने वाला है उज्जैन, और सेकंड स्टॉप है इंदौर। खास बात यह है केवल एक ही स्टॉप बीच में दिया गया है और वो भी उज्जैन। तो अब ये सर्व करने वाले हैं फूड, पानी नीचे डन। इंदौर से जो भोपाल की जर्नी है वो 200 किलोमीटर है, तो 190 किलोमीटर की टोटल जर्नी ये कवर करती है, जिसको कवर करने में ये बहुत टाइम लेती है, ये लेती है पूरा 3 घंटा। उसके बाद भी ये आपकी जेब पर एक अच्छा खासा बोझ डालती है 1500 से 1600 रुपये का। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ऑक्यूपेंसी है वो मात्र 5 से 6 पैसेंजर ही टोटल कोच में है, तो
मेरे ख्याल से आप शायद कोई भी पैसेंजर नहीं देख पाएंगे, दो तीन पैसेंजर ही हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। ओवरऑल जो ये एग्जीक्यूटिव कोच है ये अभी खाली ही चल रहा है। न्यूज़पेपर तो ये आया है हमारे पास, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है आभार प्रधानमंत्री जी। तो सबसे पहले रोज़, उसके बाद वाटर बॉटल और ये अभी न्यूज़पेपर। तो ये हमारा सूप रेडी हो चुका है, अब बस इसको जल्दी से जल्दी टेस्ट करना है दिस ब्रेड स्टिक और दिस यमी बटर के साथ। डिनर रेडी है? हाँ सर। 34। तो फाइनली हमारा डिनर आ चुका है, आइए लेट्स सी देखते हैं क्या क्या है इस डिनर में। तो डिनर में है सेव टमाटर, पनीर की सब्जी, साथ ही साथ वो तो लगते हैं दो रसगुल्ले हैं और ये है राइस। इसके साथ हमें मिलता है ये, तो अमूल मस्ती के साथ ये क्या है साथ में इसके अंदर देखते हैं क्या। ओके, तो इसमें मिलती है हमें येलो दाल और साथ ही साथ इसके अंदर है चपातियाँ। तो अभी जो गाड़ी है उसने हॉल्ट लिया है उज्जैन, और उज्जैन से इंदौर की दूरी है 60 किलोमीटर और नेक्स्ट स्टॉप इसका इंदौर है। तो अभी गाड़ी लगभग 8 से 10 मिनट में रुकने वाली है क्योंकि 4 टाइम चल रही है, इसके बाद ये डिपार्ट करेगी इंदौर। फाइनली हम रेडी हैं अपने लगेज के साथ और ट्रेन पहुंचने वाली है इंदौर, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी है। सो फाइनली आई एम एट इंदौर, बाय बाय।